नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोले और आप देख रहे हैं भोले के ब्लॉग्स। आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चलते हैं शेख चिल्ली के मकबरा पर। अब हम लोग यहां आ गए हैं लेकिन टिकट नहीं मिल रही है। सरदार जी टिकट वाले भाई साहब से बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोगों को टिकट मिल पाए। अभी हम लोग बाहर घूम रहे हैं क्योंकि टिकट मिली नहीं है। बार बार हम घूम सकते हैं, जो तालाब वगैरह ये बना हुआ है ये सब देख सकते हैं। और हम लोग पीछे से जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोई एक छुपा हुआ रास्ता पीछे से है, लेकिन हम लोग अंदर चले गए पीछे से छत के द्वारा। फिर भी मेन जो मकबरा है वहाँ पर हमको एंट्री नहीं मिली। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर पहुँच गए हैं। जो ये आपको दिख रहा है स्विमिंग पूल सा, ये खाली है, हालांकि ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, जो मकबरा बना हुआ है। स्विमिंग पूल था क्या ये? इस प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर। और अब हम लोग जाते हैं ऊपर। ऊपर ये जो गोल गुम्बद दिखाई दे रही है, ये है शेख चिल्ली की मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा जो है वो तो उनकी उनका मकबरा यही है। और सरदार जी इधर से उधर घूम रहे हैं। और ऊपर से जो व्यू दिखाई दे रहा है मकबरे का, बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। क्योंकि सफाई है, एक नंबर की सफाई है। हालांकि हम लोगों को जल्दी जल्दी से घूमना पड़ेगा और वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि पहले से ही टाइम ओवर हो गया है। और उधर से गार्ड साहब हैं, वो सीटी मार रहे हैं। मैं सरदार जी की फ़ोटो दो चार खींच दूँ, उसके बाद फिर आगे हम लोग जो मेन मकबरा है उसमें जा रहे हैं। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये है शेख चिल्ली का मकबरा। इनके हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो मैं इस छोटी वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। आप गूगल पे जाके इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये जो आप अभी इसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें ताला लगा हुआ है, मैं फिर भी बाहर से आपको दिखा दूँगा। ये जो सामने कब्र दिख रही है, ये शेख चिल्ली जी की है और साथ में उनकी वाइफ है। तो यहाँ पर इनकी जो इनका मकबरा बना हुआ है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। अब गार्ड उधर से मार रहा है सीटी, हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि टाइम पहले से ही ओवर हो गया है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने इतना ही दिखा पाया। अब हम निकलते हैं यहाँ से और अब मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ और मैं और सरदार आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को अच्छा लगा। और उन टिकट वाले भाई साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हम लोगों को अंदर जाने की परमिशन दी। तो चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इस छोटे से वीडियो में हमने इतना ही कवर कर पाया है। और अब हम लोग आ गए हैं कल्पना चावला प्लेटेनेरियम, जो म्यूजियम है यहाँ पर। यहाँ पर क्या अंतरिक्ष का कुछ दृश्य दिखाया जाता है, जो कि इसमें काफ़ी लाइटें लगी हुई हैं। अब हम लोग अंदर हैं, लेकिन अंदर आके पता पड़ा है कि जो अंतरिक्ष दिखाते हैं वो काम नहीं कर रहा है, किसी वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। और सरदार जी वहाँ पर कुछ पढ़ रहे हैं।